एंड्रू कार्नेगी ने बचपन में खरगोश पाले थे। धीरे धीरे उन खरगोशों की संख्या बढ़ गई। अब कार्नेगी के लिए उनको संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उन्होंने एक आइडिया सोचा। उन्होंने अपने आसपास के रहने वाले बच्चों से कहा कि अगर वो इन खरगोशों को दाना पानी डालेंगे तो वे अपने इन खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देंगे, और ये आइडिया काम कर गया। यही ट्रिक उन्होंने बिजनेस में भी अप्लाई की। वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी को रेल की पटरी बेचना चाह रहे थे, जिसके प्रेसिडेंट थे जे एडगर थॉम्सन। एंड्रू कार्नेगी ने एक बड़ी स्टील कंपनी बनाकर उसका नाम एडगर थॉम्सन स्टील वर्क रख दिया। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एडगर ने पटरियां किससे खरीदी होगी। ऑब्वियसली एंड्रू कार्नेगी। एंड्रू कार्नेगी अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले हर एक वर्कर का नाम याद रखते थे, जिसका बेनिफिट ये हुआ जब तक कंपनी का मैनेजमेंट उनके हाथ में रहा कंपनी में कोई हड़ताल नहीं। इसलिए डेल कार्नेगी भी कहते हैं कि किसी भी पर्सन के लिए दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट साउंड उसका नाम होता है। और लोगों का नाम लेने से आप न सिर्फ उनको इम्पोर्टेंट फील कराते हैं, बल्कि आप लोगों के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन जमा पाते हैं। तो यही है इस वीडियो का प्रिंसिपल, कि आप लोगों को उनके नाम से पुकारें।